नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमें जो कंपलसरी घर पर बैठने का मौका मिला है, उस मौके का फायदा हम हमारे लिए कैसे कर सकते हैं। हमारे लिए, हमारे अंतरतम में जाने के लिए इसे एक मौके की तरह देखेंगे। जो हमें जीवन में ठहराव चाहिए था, जो हमें रुकना चाहिए था, वह रुकने का मौका हमें आज मिला है। इस रुकने के मौके को हम अपने अंतरतम में झांकने के लिए, अंतरतम में जाने के लिए यूज़ करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। हम कई सपने देख रहे थे, हम किसी दिशा में भागते जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे उसका पता नहीं था, लेकिन भागते जा रहे थे। किसी के पास भी समय नहीं था, कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। आज एक झटके में हमें पता चला कि हम क्यों जा रहे थे, हमारा जाना क्या व्यर्थ था, क्या हम जो दौड़ भाग कर रहे थे वह व्यर्थ थी, क्या हम आपस में जो मन मुटाव कर रहे थे वह व्यर्थ था, क्या हम दूसरों को भला बुरा कहकर अपने को सही दिखाना चाहते थे वो व्यर्थ था। इस सवाल को हमें अपने आप से पूछने का आज मौका मिला है। उस सवालों का आंसर ढूंढने का प्रयास इन दिनों में हम करेंगे। मैं कुछ हूँ और मैं क्या हूँ, यह दिखाने का हमारा जो प्रयास था वह एक झटके में गिर पड़ा है। एक छोटे से विषाणु ने हमें दिखा दिया है कि हम कुछ भी नहीं है। हमें सब जानने का जो अहम भाव आया हुआ था, वह एक छोटे से विषाणु ने दिखा दिया कि आप कुछ जानते नहीं हो, जीवन में और बहुत कुछ जानने के लिए शेष है, बाकी है। तो दोस्तों, वह जीवन का जानना क्या है, उस जानने के तरफ जाने के लिए क्या रास्ता है, यह ढूंढने का प्रयास इन दिनों में हम करेंगे। हमने आपस में जो कई सारे मन मुटाव खड़े किए हैं, वह मन मुटाव मिटाने का समय आज है। अपने हृदय से, अपने अंतरतम से सभी को प्रेम बांटने का समय आज है। इन दिनों में हम अपने हृदय को प्रेम से भरकर वह प्रेम सभी को बांटने का प्रयास करेंगे। कई बार आपने सोचा होगा कि मुझे एक्सरसाइज करना है, लेकिन मुझे समय नहीं मिलता है। दोस्तों, अभी वो समय है कि आप अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज शुरू करने का समय आ गया है। अगर आज आप कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, तो वह अपने आप से की हुई बेईमानी होगी, अपने आप से की हुई। तो दोस्तों, इस समय का सदुपयोग करिए, अपने मन स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम शुरू करेंगे। और यह 8-10 दिन में जो आप करेंगे, उस 8-10 दिन से आपके शरीर को आपके मन को जो एक रास्ता मिलेगा, वही रास्ता जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें काम में आएगा। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि सुबह उठते ही आपको इस 10 दिन में अपने शरीर को ऐसा बनाना होगा कि उठते ही आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम की याद आ जाए। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको पता ही होगा, जो भस्त्रिका का है, अपने सांस को बाहर फेंकना है, उसका आप अभ्यास करेंगे तो आगे चलकर यह आपके काम में आएगा। यानी कि मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ, उसके बाद दोस्तों दिन का कुछ समय अपने अंतरतम में झांकने के लिए, मेडिटेशन के लिए दे दीजिए। ध्यान करिए, ध्यान करने के लिए यह सुनहरा अवसर मिला है।
अपने जीवन को ध्यानमय बनाने के लिए यह सुनहरा अवसर मिला है। और देखिए कि क्या मैं नेचर के करीब जा सकता हूँ, क्या मैं यह जो विश्व है उसके करीब जा सकता हूँ। और दोस्तों आपसे एक विनती है, कृपया घर से बाहर मत निकलिए। जो मैंने बातें बताई है उस बातों पर गौर करिए और देखिए कि क्या यह जो कुछ दिन है, यह दिन अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए काम आ सकते हैं। क्या हम अपने जीवन की राह को सही दिशा देने के लिए इस दिनों का उपयोग कर सकते हैं? अपने आप से पूछिए, मैं कहता हूँ इसीलिए मत सुनिए, अपने आप से पूछिए और उस तरह रिएक्ट कीजिए, उस तरह अपने इस दिनों का, अपने इन दिनों का फायदा उठाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।